गुरु नानक देव जी महाराज के 553वें प्रकाश पर्व पर बेटमा नगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा चरण पादुका गुरुद्वारा साहेब और बावड़ी साहेब गुरुद्वारों को विशेष रूप से श्रृंगारित कर रोशनी से सजाया गया। शुक्रवार को गुरु नानक देव जी महाराज का 553वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान नगर के दोनों गुरुद्वारों को विशेष रूप से सजाया गया और गुरु का अटूट लंगर भी आयोजित हुआ। गौरतलब है कि बेटमा गुरुद्वारा साहिब सिख समाज की आस्था का केंद्र है। यहाँ गुरु नानक देव जी महाराज 6 माह तक निवासरत थे। उनके चरण पादुका वाले स्थान को चरण पादुका गुरुद्वारा और जिस स्थान पर खारे पानी का मीठा किया जाता था इस स्थान को बावड़ी साहिब गुरुद्वारा कहा जाता है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज यहाँ पर बेटमा नगर में बेटमा साहिब गुरुद्वारा में सिखों के प्रथम गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का जो कि प्रकाश पूर्व है, बड़ा जोर शोर से मनाया जा रहा है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आके यहाँ पर नमस्कार कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, गुरबाणी का जाप हो रहा है और लंगर अटूट चल रहा है। सभी लंगर प्रसाद छक के गुरु का गायन कर रहे हैं। ये यहाँ पर विशेष तौर से मनाया जा रहा है बेटमा साहिब में। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।